देखिए, ये राज्य मंत्री परिषद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सम्मिलित किया और राज्य मंत्री परिषद में शपथ लेने के बाद पहली बार झंझारपुर आया हूँ। अपने प्रदेश नेतृत्व आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति विशेष धन्यवाद। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझको बिहार के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए कार्य करने का मौका दिया है। और विशेष रूप से हृदय से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ झंझारपुर के लोगों का कि 2020 के चुनाव में जो अप्रत्याशित विजय उन्होंने मुझे दी, जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, लगभग 42,000 मतों से उन्होंने मुझे जिताया। और वो एक स्नेह था जो झंझारपुर को मैं परिवार मानता हूँ, उस परिवार के नाते एक भाई एक बेटा को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं 3 वर्ष एक विधायक के नाते लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का भरपूर प्रयास किया और झंझारपुर के विकास के लिए जितना मुझसे संभव हो सका मैंने करने का काम भी किया और लगातार करता रहूंगा। अब क्योंकि राज्य सरकार में मुझे उद्योग विभाग का और पर्यटन विभाग की जवाबदेही मिली है तो स्वाभाविक है ना सिर्फ झंझारपुर की बल्कि मिथिला की और बिहार की उम्मीद भी मुझसे बड़ी है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि अभी तो आचार संहिता है लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अभी तो हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के जीत के लिए काम करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जो समय हमारे पास उपलब्ध होगा उसमें बिहार में एक औद्योगिक वातावरण के निर्माण के साथ नए उद्योग स्थापित हो उस मार्ग को प्रशस्त करेंगे। साथ ही पर्यटन में जो बिहार में असीम संभावनाएं हैं, मिथिला उससे अलग नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, उस मानचित्र पर बिहार, पूरे देश के पर्यटन के मानचित्र पर बिहार आगे बढ़े, हमारा मिथिला आगे बढ़े, ये मेरी कोशिश होगी और यही संकल्प मैंने जब शपथ लिया ये संकल्प मैंने लिया है। 2024 देखिए, ये मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 24 के कार्यकाल को अगर हम देखेंगे तो एक परफॉर्मेंस का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कहने का मेरा अभिप्राय है कि आप 10 वर्षों के उनके कार्यों को देखेंगे, जो जो घोषणाएं उन्होंने की, जो जो संकल्प उन्होंने लिया, उन संकल्पों को उन्होंने पूरा किया है। तो 10 वर्ष में आप कंपेयर कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं पिछले 10 वर्ष में जो 2004 से 14 में यूपीए का कार्यकाल था उस 10 वर्ष के कार्यकाल को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को। तो मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का एक विश्वास है, जो कार्य उन्होंने किया जनमानस में विश्वास है और 2047 के विकसित भारत को बनाने का एक रोडमैप है, उनके पास एक विजन है कि कैसे वो आगे भारत को लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम सबों की यही कोशिश होगी कि एनडीए के प्रत्याशी जीते और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के जनमानस ने ये मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार देश की बागडोर वो सौंपेंगे कि भारत जिस तीव्र गति से आज विश्व में स्थापित हो रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था ले लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी पैमाने पर अगर आप देखेंगे वो और आगे बढ़े, हमारा भारत विकसित हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए देश की जनता वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास प्रकट करेगी।